एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सुधास टेस्टी ट्रीट्स पर। आज मैं फिर आपके लिए एक बार क्विक एंड इजी रेसिपी बताने वाली हूँ। उसका नाम है कटोरी चाट। कटोरी चाट का नाम आते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाते हैं क्विक एंड इजी रेसिपी कटोरी चाट। उसके पहले मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। कटोरी चाट बनाने के लिए हमने इधर एक तरफ कटोरियों को फ्राई करने के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिया है गैस पे, क्योंकि हमको तेल तेज गरम चाहिए। और हमने इधर कटोरियां बनाने के लिए एक कप मैदा, दो कप कॉर्नफ्लोर, सॉरी दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा इसमें नमक, इसका घोल बनाना है हमें। ठीक आ रही है। एक चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे, कोई भी रिफाइंड ऑयल हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसको घोल लेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा पानी करके हमको डालना, जिससे इसमें मैदे में गुठले नहीं पड़े। कटोरियां तलने के लिए हम घोल तैयार कर रहे हैं। कटोरी बनाने में हमें थोड़ी मेहनत लगती है, बाकी इसकी फिलिंग में हमको टाइम नहीं लगता। इसमें 1.5 से 2 कप पानी हमको लग जाएगा। ये पानी हमको धीरे धीरे मिलाना है, जिससे हमारे इस मैदा में गुठले नहीं पड़े। ये देखिए, इस तरह का हमने मैदा को घोली। इसमें 1.5 कप के आसपास से 2 कप तक पानी लग चुका है हमारा, और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए घोल की हमारी। ये देखिए, ये मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक और अजवाइन का हमने कटोरी के लिए घोल तैयार कर लिया। ये हमारा घोल तैयार हो चुका है। इधर हमारा तेल भी है ना गरम हो चुका है, और इस सांचे से हम कटोरियां बनाएंगे। ये मेरे पास सांचा है कटोरी बनाने का। अगर आप लोगों के पास ये सांचा नहीं हो तो आप कोई भी चम्मच या कटोरी लेके उससे भी कटोरियां बना सकते हैं। वैसे ये सांचा इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगी। हमने गैस को तेज कर दिया है, अब हम कटोरियां बनाएंगे। ये सांचा हमने गरम तेल में थोड़ा सा गरम होने के लिए डाल दिया है। 1-2 सेकंड में ये, क्योंकि हमारी आज तेज है इसलिए ये बहुत जल्दी गरम हो जाएगा। ये देखिए, ये गरम हो चुका है। अब इसका हम पूरा तेल हटा के और इस तरह इस घोल में वो डालेंगे, और ये इस तरह से उठाएंगे और ऐसे के ऐसे हम कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए, हमारी थोड़ी थोड़ी सिक चुकी है कटोरी। अब इसको हम धीरे से इस चक्कू से उतार लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी कटोरी भी बना लेते हैं। हमारी एक हो रही है। ये देखिए, हमारी ये कटोरी सिक चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया सिकी है। इसी तरह हमने ये दूसरी भी डाल दी है। ये भी हम ऐसे छुड़ा के और इसको भी ऐसे कर देंगे, ये भी ऐसे ही सेक लेंगे। देखिए, एक एक करके हमने 3-4 निकाल लिए। ये ऐसे ही सेकना, और ये देखिए इस तरह से इनको उतार लेना। ये कढ़ाई में ऐसे ही अपने आप गर्म होके इससे छूट जाती है। मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है, आप चाहें तो खाली मैदा से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह हमने ये कटोरियां तैयार कर ली। अब मैं आपको चम्मच से भी एक दो बता देती हूँ।
ये चम्मच को हमने इस तरह से रखा, इसका पूरा तेल हम हटा लेंगे। इसको इस तरह से मैदा में करके, ये देखिए इस तरह पूरा हमने इस पे लगाया, ये गरम ये देखिए ये हमारी सिकने लगी है। अब इसको हम धीरे से इससे कर लेंगे, चाकू से या कोई भी आपके पास। ये देखिए ये हमारी सूख चुकी। अब इसको हम इसी से दबा के गोल शेप कटोरियों में भरने के लिए ये हमने इस तरह से आलू छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए, दो तीन, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपकी कटोरियाँ उस हिसाब से आप ये आलू काट लें। और इनको हम डीप फ्राई इसी कढ़ाई में करेंगे। आप चाहें तो इनको बॉईल आलू को भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम आलू को डीप फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे आलू डीप फ्राई हो रहे हैं तब तक हमने ये छोले भी लिए हैं, उनको बॉईल नमक और हल्दी के पानी के साथ हमने बॉईल कर लिया था। ये देखिए हमारे इस तरह से गल गए छोले। ये कटोरी में भरने के लिए चाट तैयार कर लेते हैं हम इसकी भी। ये देखिए ये हमारे छोले उबले हुए तैयार हैं। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम ऊपर भी डालेंगे नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हम ये पुदीना, थोड़ा सा भुना जीरा ये हम डालेंगे, हमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ये डाल के और हम अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी है। ये थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल लेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने ये आलू डीप फ्राई कर लिए, हमारे गोल्डन ब्राउन होने लगे। अब इनको हम बिल्कुल इस पर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से आलू हमने फ्राई कर लिए और ये देखिए ये टोड़े, ये देखिए गल चुके हमारे आलू। अब हम इसमें भी मसाले डाल लेते हैं। ये हमने भुना जीरा डाला, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा ये हमारा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पुदीना पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कटा बारीक धनिया। देखो हमारी कटोरियाँ भी तैयार हैं, छोले भी तैयार हैं, आलू भी तैयार हैं। अब इनसे हम चाट तैयार करते हैं, कटोरी चाट। ये देखिए प्लेट में हमने कटोरियां सजा ली हैं। अब इसमें हम ये हमारे छोले जो हमने तैयार किए हैं वो भरते हैं। ये चाट बहुत पसंद आने वाली है। आप कटोरियां बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है पर खाने में उतनी ही टेस्टी और अच्छी लगेगी। कुछ हम ये आलू छोले मिक्स करके भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे
एक बार फिर से थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, काला नमक, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी ये लाल चटनी, खट्टी मीठी लाल चटनी। अगर आपके पास लाल चटनी इमली वाली नहीं है तो आप इस पे सॉस का भी यूज कर सकते हैं, टमाटर सॉस का। ये दही, ये थोड़ी सी बारीक सेब, थोड़ी सी ये अदरक के जूलियंस, और ये थोड़ी सी हरी धनिया। इस तरह हम सारी कटोरियां तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी प्लेट तैयार हो गई है। अभी इसको सर्व करने के लिए हम इसमें डेकोरेट कर देते हैं प्लेट को। ये हमने ग्रीन चटनी और ये रेड चटनी से, तो ये देखिए हमारी कटोरी चाट की प्लेटिंग हो चुकी है और खाने के लिए तैयार है। तो देखिए हमारी कटोरी चाट तैयार है। इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए। और कोई भी आपको नई रेसिपीज़ देखनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं कि आपको कौन सी नई रेसिपीज़ देखनी है। बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए और मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए।